नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसमें अभी तक 70 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं और वे लोग हाल की जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस हैं और ये आने वाले समय में किस तरह से मोड़ ले सकता है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। क्या क्या इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं और ये भारत को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी राष्ट्रवादी देख रहे हैं वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ढाका यूनिवर्सिटी, वहां पर स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर और साथ ही में कुछ एक्टिविस्ट से मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। अब ये जो प्रोटेस्ट थे वो एक स्पेसिफिक एक्ट को लेकर थे जिस एक्ट के अंतर्गत बांग्लादेश के फ्रीडम में, बांग्लादेश की आजादी में जो मुक्ति वाहिनी थी उसमें जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके साथ जो भी लोग बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 की वॉर में लड़े थे पाकिस्तान से आजादी के लिए, उन सभी लोगों के जो भी परिवारजन है उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई। जो 1970s में रूल निकाला गया था उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और उसमें अल्टीमेटली जो टोटल कोटा बन के निकल रहा था वो तकरीबन 53% का बन के निकल रहा था। तो उसी के चलते कई सारे ऐसे लोग जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से जुड़े हुए थे उन लोगों के जॉब्स, खास करके गवर्नमेंट में जॉब लेना काफी आसान था। लेकिन 2018 में ऑलरेडी इसको एक बार हटाया जा चुका था। 2018 में किसकी सरकार थी? तो 2018 में भी इसी आवामी लीग की यानी कि शेख हसीना की सरकार चल रही थी जिन्होंने ये जो पर्टिकुलर कोटा सिस्टम था उसको हटा दिया। लेकिन उसके बाद वहां की एक हाई कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर कोटा सिस्टम था उसको फिर से रीइंस्टॉल किया और उसको फिर से लागू किया। तो उसी के चलते कई सारे लोगों में रोष था कि ये जो पर्टिकुलर कोटा सिस्टम है उससे सिर्फ एक खास तबके के लोगों को फायदा हो रहा है, खास करके जो आवामी लीग के साथ जुड़े हुए लोग उन लोगों को ही फायदा हो रहा है, जबकि उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि जो भी मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए लोग थे वो फिर चाहे किसी भी पार्टी में हाल में हो या फिर अगर किसी भी पार्टी से ना भी जुड़े हुए उन लोगों के परिवार को इस कोटा के अंतर्गत रिजर्वेशंस दिए जाएंगे पब्लिक जॉब। तो उसी के सामने ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ये आगे भी एक बार हो चुका है, फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया और शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इसको और भी अग्रेसिव किया गया। अब साथ ही में बात यह भी है कि 7 अगस्त यानी कि कुछ ही दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, ये जो हाई कोर्ट का रूलिंग था जिसमें उन्होंने कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया था, उसके सामने वे लोग हियरिंग करने वाले हैं, उसके ऊपर वो लोग सुनवाई करने वाले हैं और उसके ऊपर बाद में वे लोग डिसीजन लेंगे। तो ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम के थ्रू, सेम जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जिसने इस कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट किया था, उसी जुडिशियल सिस्टम में जो एपेक्स कोर्ट है, जो टॉप कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के इस पर्टिकुलर डिसीजन को सुनने के लिए रेडी है और 7 अगस्त को उसकी सुनवाई भी होने वाली है। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे? जिस तरह से शेख हसीना का और वहां की कुछ मीडिया से बयान आ रहा है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एनजीओज एंड सर्टेन आउटसाइड फोर्सेस एंड अपोजिशन पार्टी लीडिंग टू विच दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द प्रेशर ऑन करंट गवर्नमेंट। अब इस प्रोटेस्ट से बहुत ही स्वाभाविक चीज है कि ये स्पष्ट हो जाता है कि बेनिफिट किसको होने वाला है। अगर लोकल लेवल पर देखें तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑपोजिशन पार्टी जो कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको खालिदा जिया लीड कर रही है, उन लोगों को होगा डायरेक्टली। तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन खालिदा जिया सिर्फ अकेली नहीं है, वो ग्लोबल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के द्वारा सपोर्टेड है। उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर यूएस डीप स्टेट, कैनेडा की चीरो और ऐसी कई संस्थाओं का सपोर्ट हासिल है। साथ ही में हाल में जिस तरह से शेख हसीना अपनी जो चाइना की ट्रिप थी उसको कट शॉर्ट करके वापस आ गई, क्योंकि चाइना में सबसे पहले उनको $5 बिलियन देने की प्रॉमिस की गई थी जिसके सामने मात्र और मात्र $100 मिलियन देने की बात की गई। तो उसी के चलते शेख हसीना वो जो अपनी चाइना की ट्रिप थी उसको कट शॉर्ट कर दी और तुरंत ही वापस बांग्लादेश आ गई। बांग्लादेश आते ही उसने ये स्टेटमेंट दिया कि वो भारत के साथ जो एक रिवर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी है।
तो इसी के चलते हो सकता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी की, खालिदा जिया है, उसको चाइना का भी सपोर्ट साथ में मिल रहा हो, और साथ ही पाकिस्तान आईएसआई का भी वहां पर अभी भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कुछ लोग अभी भी उपस्थित हैं जो लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो उसी के चलते पाकिस्तान आईएसआई का भी वहां पर इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। तो यूएसडी पाकिस्तान आईएसआई का इन्फ्लुएंस यूज करके, या फिर चाइना पाकिस्तान आईएसआई का इन्फ्लुएंस यूज करके, एक्टिविस्ट का उपयोग करके वहां पर स्टूडेंट्स को भड़का रही हो और एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हो ताकि ऑपोजिशन पार्टी को बेनिफिट मिल सके आने वाले इलेक्शन में, और अल्टीमेटली वहां से शेख हसीना निकलकर बाहर हो जाए और खालिदा जिया को बिठा सके यूएस डीप स्टेट या फिर चाइना, इस प्रकार की बात यहां पर पता चल रही है। इससे यूएसए को क्या फायदा होगा? तो यूएसए का एक क्रिश्चियन कंट्री का जो प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में शेख हसीना ने इलेक्शंस के पहले भी बात करी थी, एक स्टेटमेंट दिया था जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप जाकर जरूर देखें ताकि आपको स्पष्ट हो कि किस तरह से ये जो पूरा वाकया है वो यूएसए के साथ लिंक हो रहा है, और शेख हसीना की वो जो बात थी जो उन्होंने बांग्लादेश के इलेक्शन के पहले कही थी उसके साथ लिंक हो रहा है, वो स्पष्ट हो जाए। तो उसी के चलते अगर खालिदा जिया इसमें इंस्टॉल हो जाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो यूएसए की फेवर कर सकती हैं, और यूएसए को म्यांमार, बांग्लादेश को तोड़कर और भारत में से भी कुछ हिस्सा लेकर, जो वे लोग कुकीलैंड के नाम पे हाल में उपद्रव मचा रहे हैं, वो पूरा एक हिस्सा लेकर वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाए ताकि यूएसए का वहां पर बेस बन सके, तो उसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर खालिदा जिया की गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ जाती है, इस प्रोटेस्ट के चलते अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ लोकल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, और वो साथ ही भारत को भी इफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जो 3 अलग अलग देशों में से छोटे छोटे पार्ट्स निकालकर एक अलग कंट्री काव आउट करने की ये लोग बात कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग कुकीलैंड प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, जिसको कुछ लोग क्रिश्चियन स्टेट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, जो शेख हसीना ने खुद बयान दिया था, तो उसी के चलते अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि यूएसए वहां पर अपनी बैठक जमा देगा या फिर चाइना यहां पर अपनी बैठक जमा देगा, और अल्टीमेटली वहां से बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है और ये जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है उसके ऊपर वे लोग अपना कंट्रोल जमा देंगे। ये कंट्रोल इसलिए जमाया जा रहा है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो एक फल्क्रम होता है, एक सेंटर होता है, वो हाल में यूएसए और वेस्ट से शिफ्ट होते होते इंडिया की ओर, इंडियन ओशन रीजन की ओर और एशिया की ओर आ रहा है, और एशिया में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो कंट्रीज एक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से जियो पॉलिटिकल सीनारियोज चेंज होते हैं। तो उसी के चलते यूएसए यहां पर अपना बेस बनाना चाहता है, जैसे उसने डिएगो गार्सिया में बनाया था, जैसे कि अभिजीत चावड़ा जी ने भी कहा था अपने रिसेंट टीवी डिबेट में। तो उसी के चलते यहां पर एक अलग स्टेट का वाउट करने का प्लान चल रहा है, और उसके लिए जो जो लोग भी बीच में हर्डल बन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो म्यांमार के मिलिट्री हुंटा हो, चाहे वो बांग्लादेश में शेख हसीना हो, उन सभी के अगेंस्ट में एक्टिविस्ट, एनजीओ और अपोजिशन पार्टी का यूज कर, उन लोगों को पैसा खिलाकर, उन लोगों को सपोर्ट देकर, उनके मिलिटेंट्स को वेपन्स देकर वहां पर उपद्रव मचाया जा रहा है। उसको कंट्रोल में करने के लिए बांग्लादेश में हाल में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है और साथ ही में इंटरनेट शटडाउन भी कर दिया गया है, तो वहां पर तो उतनी खबरें नहीं आ रही हैं, उतने विजुअल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन शेख हसीना ने इस प्रकार की एक्टिविटीज ऑलरेडी देखी हुई है, तो इसको वो कंट्रोल इजीली कर पाएंगी, और साथ ही में हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैकएंड से नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हों, तो कोई भी सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो वहां पर चीजें हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट भारत में हो सकती है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार की अपडेट्स आती हैं, किस प्रकार की खबरें आती हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में, और उसके सामने ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है उसके रिलेटेड, साथ ही में भारत के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमको कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।